मैं सुनीता रानी हैप्पी कैमरे स्कूल से आपको क्लास 8th के भारत के मौलिक अधिकार करवाने जा रही हूँ। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिए गए कुछ ऐसे अधिकार जो हमें खुशी से ज़िंदगी जीने में मदद करते हैं। ये अधिकार सरकार से भी ऊपर होते हैं, सरकार का इन पर नियंत्रण नहीं होता, यह सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं मनुष्य को। भारत के मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार हमें जो हैं हमारे लिखित अनुच्छेद 14 से 16 में दिए गए हैं। सेकंड हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। थर्ड हमारा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। फोर्थ अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। फिफ्थ अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। सिक्स अधिकार हमारा संविधानिक उपचारकों का अधिकार, वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब मैं आपको एक एक अधिकार समझाऊंगी। नंबर वन, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इंग्लैंड से लिया गया, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच यह अधिकार। एक मिनट रुकना, रुक रुकना, ये पेन भी चलाना था मैं तो याद। फर्स्ट, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इंग्लैंड से लिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत यह अधिकार कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से उदित है। जाति, जाति मतलब जाति से यहाँ पर हमारा अभिप्राय है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लिंग से मतलब हमारा यहाँ पर अभिप्राय है स्त्री पुरुष। धर्म से हमारा अभिप्राय है यहाँ पर कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं, जैसे कि कोई सिख धर्म को अपनाता है, कोई हिंदू धर्म को अपनाता है। और मूल वंश, जो पुराना वंश हमारे चले आ रहे हैं, के अधिकार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, मतलब मना है। सार्वजनिक स्थानों से हमारा भी अभिप्राय, जैसे मंदिर है या सरकारी स्कूल हैं, इस ये है। लेकिन बच्चों और महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है, यहाँ पर बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। थर्ड है हमारा, एक छोटे से आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को एक जैसे अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे कि एक मजदूर है, जो मजदूर को अधिकार प्राप्त होंगे वही प्रधानमंत्री को भी अधिकार प्राप्त होंगे। सेकंड हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी लोग किसी भी क्षेत्र, जिले या सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा अभिप्राय जिला, जैसे कि भारत का कोई व्यक्ति भारत में ही पंजाब हरियाणा गुजरात कहीं पर भी जा सकता है। ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों में, मतलब से हमारा अभिप्राय है कि हिंदू मस्जिद में जा सकता है और मुसलमान मंदिर में आ सकता है। सभी लोगों को यह अधिकार है। सेकंड, सभी लोगों को यह अधिकार है कि कोई भी व्यवसाय, मतलब काम धंधा, कोई भी काम कर सकता है, पेशा अपना सकता है या कोई भी कारोबार कर सकता है। जैसे अगर मर्जी है तो वह चाहे मोची का काम करे, अगर उसकी मर्जी है तो वह प्रोफेसर का काम करे, उसकी मर्जी है तो वह नौकरी करे, कोई भी काम कर सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत, थर्ड में, इस अधिकार के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, लोगों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, मतलब जमा होने की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने, मतलब कि लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जो एक यूनियन बनाते हैं उसकी स्वतंत्रता, सभा बनाने की भी स्वतंत्रता है कि इकट्ठे मिलकर सभा भी कर सकते हैं। थर्ड है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के अधिकार के विरुद्ध अधिकार से अभिप्राय यह है कि कोई भी मजबूर होकर श्रम या मेहनत नहीं करा सकता, किसी से यह नहीं कहा सकता कि तुम्हें यह काम करना है। ऐसा हमारे संविधान में मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा गया है। कोई भी मानव व्यापार, खास तौर पर बच्चों या स्त्रियों का व्यापार नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य, कहने का अभिप्राय है कि ना तो वह अपने बच्चा को बेच सकता है, ना ही वह अपनी स्त्री को बेच सकता है। थर्ड, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि वह काम करने के लायक नहीं होता, क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता बहुत कम होती है। थैंक यू। अब मैं आपको यह बताऊंगी कि आपको नेक्स्ट होमवर्क
लर्न एंड राइट करना है इसी काम को सिविक्स की कॉपी में।